DHM Music presents. दो उजागर होना था, उसी नगरी में एक ब्राह्मण था जो शंकर भगवान का उपासक था और तपस्या के फल स्वरूप उसको एक अमर फल प्राप्त हुआ था। उस अमर फल को लेके ब्राह्मण जब घर आया, पंडताणी ने पूछा कि पंडित जी बहुत राजी हो रहा है, बात के मैं सरानी खुश होने की बात के ये अमर फल जिसको खा के अमर हो जाएंगे। पंडताणी समझदार थे, बोली महाराज खाने के दाने को करड़ भूखा मरा फूकेगा इतनी उम्र में, यो फल तो राजा भरथरी को दे दे, कितना न्याय प्रिय राजा है, सगे छोटे भाई का खोट पाया उसका भी कत्ल करा दिया, वो इसके बदले में तने कुछ धन दे देगा, तेरी उम्र सुख शांति तक कट जाएगी। ब्राह्मण ने जाकर वो फल राजा भरथरी को दे दिया, बदले में नाम लेकर आ गया भरथरी था तो राजा पर पिंगला के मुंह जाल में फंसा हुआ था, उन्होंने सोचा फल खागा तू अमर हो जाएगा, समय रहते पिंगला मर जाएगी, पिंगला बिना तरा के जीना। उसने वो फल जाकर पिंगला को दे दिया और पिंगला की आंखें चमक जाती हैं, फल ने पंच फैसला कर दिया, तू राजी से मेरे पे चाहे गंगा जली धरानी फिर मैं आशिक हूं तेरे। उसके पास सैयस आ करता था, जैसे बुजुर्गों से कथाओं में सुनते हैं, उसने वो फल सैयस को दे दिया, सैयस एक वैश्य के पास जा करता था, उसने वो फल वैश्य को दे दिया, वैश्य ने सोचा इतने गंदे कर्म करने की जरूरत नहीं, जो फल राजा दे दे बदले में नाम मिल जाएगा, तुम्हें काम छोड़। बात यह हो फल घूम फिर के उल्टा है राजा भरथरिया का आ गया, ओ माझे पाले राम जी का रमला दो नंगड़ शहर में चले गए, खान का गोज में पीछे नहीं भूखे मरण करड़ करड़, एक होटल पर लिख रखा खाना फरी, बोले उसमें जा बड़े आग बड़े तो दो दरवाजे पाए, एक पे लिख रखा क्या खाना पैसे दे के खाएंगे या खाना फरी खाएंगे, दोनों लिखाए नहीं, बोले पीछे गाय रोला से फरी आड़े में बड़के आग गए, उड़े दो दरवाजे पाए, खाना देसी घी से खाएंगे या डालडा से खाएंगे, बोले फूक दे प्योर देसी मिलेंगे देसी आड़े में बड़के, आग गए दो दरवाजे पाए, खाना जमीन पर बैठ के खाएंगे खाना सोफा सेट पर लेंगे, बोला सोफे पे उड़ जा बड़े आगे फिर दो दरवाजे, निबला खाना पैसे दे के खाएंगे अब फरी खाएंगे, निबला पीछा रोला फरी आले में उल्टे रोड पाएंगे, सारे गेटों घूम फिर के बाहर निकले, वो फल घूम फिर के राजा भरथरी के पास वापिस आए, वैश्य से पूछा कहां से लेकर आए, वैश्या कहती है महाराज आम का पेड़ मत गणे खाम का बंदवा के चार कोलड़े मरवाए, सारा राज उगल देती कि महाराज मेरे को तो सैयस ने दिया, सैयस को बुला के महाराज रानी पिंगला ने दिया, पिंगला को बुलाया कि महारानी मैंने एक फल दिया था कि महाराज दिया था, कुन्ना कु बच रहा हो एक आध फाक बच रही हो, मेरे भी छह साल छह महीने बच जाएंगे तुम मन में भी दे दे, निवली महाराज इतना स्वाद ला गया सारी न खाएगी, बोझ मन काट के निवला बेईमान एक और खा ले, उड़े कोडे टेक दिए के बोलू बरतार तेरे ते बतलावन जोगी कोन्या, सब राय तो झूठी आंख मिलावन जोगी कोन्या, दुनियादारी से विश्वास उठ जाता है, अपने राज का ताज उतार के डोडी पर धर दिया, राज की तेग लेके वह खुट्टी का टांग दी, पागलों जैसा हाल हो गया, और राजा भरथरी जब राज को छोड़कर शहर को छोड़कर निकले तो नगरवासी घेर लेते हैं, हे महाराज ये क्या हाल बनाया, निबला रही इससे अच्छा होता कोई क्षत्रिय को राजपूत मेरे को युद्ध के मैदान में मेरे को आमने सामने होकर मेरा वध कर देता, तुम अपने आप को खुश नसीब समझता, छत्री मारे सन्मुख करके आप सामने हो गए, बैरी मारे गला काट के रबीर मार दे रोके, पहला दुख मेरे विक्रम का से दूसरा दुखी से बैरन का, नहीं गारडू बैद मिले मने पिंगला मोही जैरन का, तीन दुखा में शरीर सूख जा दुख हो जा अट पैरन का, हर वीर मर्द का बोल पाट जा रखे अक्सौड़ ठहरन का, पिंगला ना थी असल खून की गई जा ताबरू खोके, बैरी मारा गड़ा काट दे रबीर मार दे रोके, त्रियाना को समझ सक्या ना या जाति नौ रंगी से, डकैता डकले लुंजपति ने ना तो नंगी की नंगी से, डोडी पर मेरा ताज धरया मेरी खुंटी तेग टंगी से, मेरे छत्रापन की होली जल गिरे पिंगला बनी पतंगी से, उज्जैन शहर ते दरबारा ते मसाल्या मुंह दब को के, बैरी मारा गला काट दे बबीर मार दे के, वहां से निकल जाते हैं आगे एक साधुओं का टोला मिलता है, आदेश प्रणाम किया, बाबा जी कहां जाओगे, सारे बाबा ने बोले वे गुरु गोरखनाथ का भंडारा और सत्संग है जहां सत्य का ज्ञान होगा उड़ जाएंगे, भरथरी ने बोला महाराज सारी उम्र खोदी सत्य का ज्ञान ना हो, मेरे को वहां लेकर चलिए जहां सत्य का ज्ञान होता,
उन साधुओं के साथ राजा भरथरी चल देते हैं। सजनों ऐसा कहते हैं, ऐसे ही सत्संग चलिया हुआ, वो अपना भीड़ में बैठे हुए बाबा गोरखनाथ की नजर पड़ी रही, मेरे को ऐसा लगता जैसे उज्जैन का राजा भरथरी हो। आगे बुलाया, हाथ जोड़ दिए, महाराज आज कदे कदे खास तो कुछ भी नहीं, अरे भरथरी तेरे सर पर तेरे राज का ताज नहीं है, तेरे राज की तेग नहीं है, तेरे बाल बिखरे हुए, तेरा चेहरा रुआसा है, तेरे मस्त्र वस्त्र मलीन है, कौन सा दुश्मन छेद गया? फूट कर रोपड़ा निकला, बाबा जी मैं तो राजा हूं, मन्नत छोड़, आम दुनिया में आम आदमी ने भी इन तन्यारा कोई नहीं छेद सकता। किन तन्यारा? ए जी एक भाका भूला संचल क्रिया इसी शेद जा यो मान सरोवे टक्कर मारी भाई से थे कैसे थे वो कमती यार एक चंचल तिरिया इसी से जा मानस रो टक्कर मार पहले नंबर पर बाबा जी ये बनी क्या कहा एक भाका भूला भाई फेटे भाका भूला भाई फेटे पर जा आंख जहर के पाटे पछे हो जाहे गैर के मा गैर घरा आप बाहर ने कुणसी कसर कहर के मा संचल क्रिया मन धारी के न छोटे पदम पैर के मा शर की पाग मरद की मन है शर की पाग मरद की मन है कला तले के रात नुकरी मार जी
हम चार डूबे हाँ चार एक नहीं चार कौन कौन हमर राजा रंडी सैयद पंगला राजा रंडी सैयद पंगला चारों डूबन ये मचधार राज का खंबा लिया था पिंगला नो तनपूत कर उस पापण नगर घर लिया था भाई गर्तन जकड़ गया मैंने पाछ संभालिया था और किसी का दोष नहीं कर्मा का नियमत कसाला था बाबा जी मैं राजा वा रंडी वा सैयस वा पिंगला हम चारू डूब लिए मजदार संसल त्रिया से मानस रो टक्कर मार तीसरे नंबर पे क्या कहता है चल त्रिया खसम मन से दे करते छेका तक मां कदे भी सड़ते ना देखे हंसते फूल पात के भा संचल त्रिया कपियारी अर्थम रहे घात के मां इन दोनों का एक सुभा ये करते खोट शात के भाई इन दोनों के करते मत क्रिया कारण झूठा हो गया क्रिया कारण झूठा हो गया पान प्रस्थ हो गया बेकार म्यूजिक कंपनी हमारे साथी भाई प्रदीप सांगवान साहब पत्रकार साहब दो चार दिन में कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर होगा जो संस्कृति प्रेमी देख सकते हैं 100 रुपए से मान सम्मान सब्सक्राइब करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद लोगों कितना भी जाने की जरूरत कौन है दादा ये भजन सुन ले सारा जीवन शीशे की तरह साफ चमकता बोला राम रसायन रमन लाग गया जब भक्ति पे छणे से राम रसायन रमन लाग जा जब भक्ति पे छणे से और जति सती सत्यवादी ने को बिरलिए वीर जणे से अध शेरी में शेर पकावे फिर हांडी उफणे से आवागमन का चक्कर ते यो कर्तव्य गैल गण बने से के मांगे राम रूस की पिंगला अपने दोष लहो के बैरी मारे गला काट दे भाई पीर मार दे रोके एक ऐसा कवि जिसने कितनी गुरु भक्ति दिखाई है पग पग पर दिखाई कितने भजन हैं तो जो दादा मांगीराम ने अपना भोग तक नहीं दिया अपने गुरु के नाम पे चलते कर दिए ब्रह्मा विष्णु शिव जी भोला मान लिया जाटी के महा गंगा जमुना त्रिवेणी मन जान लिया जाटी के महा बालकपण ते फिरूं था भरमता ध्यान लिया जाटी के महा गुरु लक्ष्मी चंद की सेवा कर कमन ज्ञान लिया जाटी के महा अपने गुरु की बैठ नाव में 30 बरस तिर रियाजू दुख दर्दा का मोस देव की मैं अपने सर पर धर रियाजू
यो धनमाल मने थ्या जात जे मेरी काबू में आ जात लक्ष्मी चंद मने पा जात जान वार क्यों तेरे पर के बोल पड़ा न रुके मारूं क्यों हंड राने मंडेरे पर। अरे शालस होगा डांडी मारे न्यू धरती पाटी से गुरु द्रोण तो साज ला था चढ़े किलवे की काटी से सत्सा ब्राह्मण सती आत्मा अन्य ने लाठी से जन्म लेने काम सोसाना पर पटन न जाती से लक्ष्मी चंद गुरु की कीर्ति मन जन्म जन्म गानी से ब्राह्मण मरण कर्म का फल या कृष्ण की वाणी से। अरे ऐसा कवि जिसने अपने गुरु को अवतारों में बैठा दिया, पहली बार में बरहा बनाई पृथ्वी आदर उबारी थी, दूसरी बार में यज्ञ पुरुष ये प्रजा रची दे धारी थी, तीसरी बार में कपिल मुनि मेरी देव उत्ती में तारी थी, चौथी बार में दत्ता तेरे मेरी अत्री के संगयारी थी, पांचवी बार में शंखा थी ये दे दिखे थी चार मेरी वसुंधरा का भार तारता जो रचना है साकार में। अरे छठी बार में नारायण मेरी धर्म स्त्री दक्षुता, सातवीं बार में धरु बने उत्पान पात का फिरया मता, आठवीं बार मन पृथ्वी बन के पृथ्वी मत के दे चता, नौवीं बार में ऋषभ देव मन अपने दिन जन्म बता, दसवीं बार अम्बरीश बनया थी वेद रचन की कार मेरी वसुंधरा का भार तारता जो रचना है साकार मेरी। अरे ग्यारहवीं में मत्स्य बन के मन जल से वेद निकाल दिए, बारहवीं में कच्छ बन के वे असुर ठिकाने गाल दिए, तेरहवीं में नरसिंह बन मारे हरणा कुछ चंडाल दिए, चौदहवीं में हरि बने मन जल से अंतु छाल दिए, पंद्रहवीं में बावना बन ना हुई बलि से हार मेरी वसुंधरा का भार तारता जो रचना है साकार में। अरे सोलहवीं में हंस बने मेरी आत्मा ने भान किया, सत्तरवीं में मनु बने मन मनु मंत्र का ध्यान किया, अठारहवीं में धनवंतरी मन आयुर्वेद का ज्ञान किया, उन्नीसवीं में परशुराम मन 21 बार मदान किया, बीसवीं में श्री रामचंद्र जी थी जनक नंदनी नार मेरी वसुंधरा का भार तारता जो रचना है साकार में। अरे 21वीं में व्यास बने मन जंगल में अभ्यास किया, 22वीं में श्री कृष्ण बनकर गोकुल के मां रास किया, 23वीं में बुद्ध बनकर सर्राव पंथ का निकास किया, 24वीं में लक्ष्मी चंद बामन जाटी के मां वास किया, कह मांगे राम कल की बना ये रटना है इस बार मेरी वसुंधरा का भार तारता जो रचना है साकार मेरी। कितने एक भजन है और यहाँ आखिरी कली में यहाँ गुरु भक्ति को देखना क्या देखा दादा मांगे राम ने। चंचल त्रिया ओ चंचल त्रिया मत ना मिलियो, चंचल त्रिया मत ना मिलियो, ना कोई कपटिया रे मिले वीर मिले खानदान की अच्छी ताते तार मिले, ओ गुरु मिले श्री लक्ष्मी चंद सा कृष्ण का दरबार मिले, मांगे राम कृष्ण का दरबार मिले, जिंदगी भर भी उतर को जिंदगी भर भी उतर को खून की the bell icon on the YouTube app and never miss another update.